सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय अंक में हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। छल जाति निग्रह स्थान, तीन पदार्थ हमारे बचे थे जिनका लक्षण करना शेष बचा था। तो छल में छल का लक्षण हम कर चुके थे। वचन विघातो अर्थ है विकल्पोपत्या छलम, विकल्प की उपपत्ति से माने विकल्प की कल्पना से, विकल्प माने विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ की कल्पना करके किसी के वचन का विघात कर देना, इसको छल कहते हैं। और उसमें फिर तीन प्रकार के छल होते हैं, वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल। तो दो हम पढ़ चुके थे, अब हम उपचार छल पढ़ रहे थे। धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेध उपचार छलम, ये हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर धर्म विकल्प माने धर्म का विकल्प, धर्म का विकल्प मतलब धर्म शब्द से क्या लेंगे, यहाँ पे शब्द का अपना एक जो धर्म होता है, शब्द का अपना धर्म क्या होता है, उसका यथार्थ अर्थ जो मुख्य अर्थ होता है वो इस शब्द का धर्म होता है। तो उस अर्थ का विकल्प, शब्द का जो प्रमुख अर्थ है उसका विकल्प, विकल्प मतलब विकल्प का अर्थ है अन्यत्र प्रयोग किए हुए का अन्यत्र ग्रहण करना, माने जब उस शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाए तो गौण अर्थ ले लेना, या गौण रूप से उस शब्द का प्रयोग किया जाए तो मुख्य अर्थ ले लेना, ये उसका विकल्प कहा जाता है। तो उस विकल्प का निर्देश होने पर धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध करना, अर्थ की सत्ता का ही प्रतिषेध कर देना, वो अर्थ ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे, उपचार छल। तो ये बता रहे हैं धर्म की परिभाषा कर रहे हैं पहले। अभिधानस्य धर्मः, अभिधानस्य माने नाम रूप जो शब्द है उसका धर्म, अर्थात यथार्थ प्रयोग, जो उसका मुख्य अर्थ है, यथार्थ प्रयोग है, उसको कहेंगे धर्म। और धर्म का विकल्प क्या है, अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोगः। अन्यत्र दृष्टस्य शब्द दो ही जगह शब्द का अर्थ देखा जा सकता है, मुख्य और गौण। लोक में दो प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है, एक तो मुख्य अर्थ में, एक तो गौण अर्थ में। तो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मुख्य का प्रयोग कर रहा है और देखने वाला गौण देख रहा है, या गौण का उसने प्रयोग किया मुख्य देख रहा है, तो उसको कहेंगे धर्म विकल्प। तस्य निर्देशी, उस धर्म के विकल्प का निर्देश होने पर, इसको सूत्र में कहा धर्म विकल्प निर्देशे। इस प्रकार से धर्म के विकल्प का निर्देश होने पर वचन का विघात करना, ये उपचार छल है। यथा मंचाः क्रोशन्ति इति अर्थ सद्भावेन प्रतिषेधः, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा मंचाः क्रोशन्ति, आज तो मंच चिल्ला रहे हैं सुबह से ही यहाँ पे, तो मंच शब्द का प्रयोग कैसा किया, मुख्य किया कि गौण किया, गौण प्रयोग किया है। मंच का मतलब है मंचस्थ, तो उसका ये शब्द प्रयोग किए जाने पर मंचः क्रोशन्ति अर्थ सद्भावेन प्रतिषेधः, अर्थ की सत्ता का प्रतिषेध करना। अर्थ क्या लिया इसने, मंच, और मंच चिल्ला नहीं रहे, तो उस अर्थ सत्ता का, उसके सद्भाव का प्रतिषेध कर रहे हैं कि मंच कहाँ चिल्ला रहे हैं। मंचस्थाः पुरुषः क्रोशन्ति न तु मंचः क्रोशन्ति, मंच कहाँ चिल्ला रहे हैं, तो अर्थ सद्भाव का ही इसने प्रतिषेध कर दिया। नहीं, द्वारा नहीं किया, ये जो तृतीयान है ना, अर्थ सद्भावेन,
अर्थ सद्भावेन का अर्थ अर्थ सद्भावस्य, अर्थ के सद्भाव का ही, मंच नहीं चिल्ला रहे हैं, अर्थ का ही इसने निषेध कर दिया। अर्थ सद्भावेन का मतलब है अर्थ सद्भावस्य प्रतिषेध है, मंचस्थः पुरुषा क्रोशन्ति न तो मंचः क्रोशन्ति, मंच नहीं चिल्ला रहे हैं, ये जो अर्थ था इसका ही प्रतिषेध कर दिया। का पुनः अत्र अर्थ विकल्पोपपत्ति, अर्थ के विकल्प की उपपत्ति क्या हो रही है, क्योंकि सूत्र में क्या कहा था, धर्म विकल्प के निर्देश होने पर, और धर्म निर्देश क्या बताया था, अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोग है, तो कह रहे हैं यहाँ अर्थ विकल्प की उपपत्ति क्या है, तो कहा अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्यथा अर्थकल्पनम, जो गौण रूप में, अन्यथा प्रयुक्तस्य गौणेन प्रयुक्तस्य, जो गौण रूप से प्रयोग किया था उसका अन्यथा अर्थकल्पनम, उसी को खोल रहे हैं, भक्त्या प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनम, जो गौण रूप से प्रयोग किया था मंच शब्द का उसको प्राधान रूप से कल्पना करके उपचार विषयम छलम, माने एक तरह से मंचस्थ का मंच में उपचार किया गया था, जैसे हम आत्माओं में अंतःकरण के धर्मों का उपचार कर दिया जाता है कि ये सात्विक आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, ये धर्मात्मा है, तो ये उपचार किया जा रहा है ना गुण रूप से, आत्मा तो आत्मा ही होता है, उसमें तो कुछ ऐसे गुण होते नहीं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो मंचस्थ पुरुष थे उनका मंच शब्द में उपचार किया जा रहा है। तो कल्प ये जो इन्होंने गौण प्रयोग किया था, भक्त्या प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनम, उपचार विषयम, उपचार विषय को लेकर के प्रधान अर्थ की कल्पना करके और उसके वचन का उपघात किया जा रहा है, इसलिए इस छल को कहा उपचार छलम। उपचार को उपचार मतलब क्या, उपचारो नीतार्थः, उपचार कहते हैं जो नीत अर्थ होता है, माने जो उसका मुख्य अर्थ नहीं होता है, उधार लिया गया अर्थ। और ये कैसे हो जाता है, सहचरण आदि निमित्तेन, सहचरण आदि निमित्त जो आगे बताएंगे उन निमित्तों से, मतलब जो जिसके सानिध्य में रहता है उस निमित्त से, क्योंकि यहाँ पर मंचस्थ पुरुष हैं वो मंच के सानिध्य में हैं, तो इसलिए सहचरण आदि निमित्तेन अतद्भावे तद्वत् अभिधानम उपचार, अतद्भाव में तद्वत् का अभिधान करना ही इसको उपचार कहते हैं, जैसे मैंने अभी आत्मा का दिया उदाहरण, तो इसी प्रकार से यद्यपि अतद्भाव क्या है यहाँ पर, मंचः क्रोशन्ति में मंच तो नहीं चिल्ला रहे हैं, तो इसलिए अतद्भावे तद्वत् अभिधानम, अतद्भाव में तद्वत् अभिधान करना, तो यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया था गौण का, गौण को गौण रूप में ना लेकर के मुख्य रूप में अभिधान करना, ये उपचार, अतद्भावे तद्वत् अभिधानम उपचार इति, से उल्टा हो गया, अतद्भावे जो वैसा नहीं है, अर्थात मंचस्थ जो पुरुष हैं उसमें मंच का प्रयोग करना, तो ये क्या हो गया अतद्भाव, और उसमें तद्वत् अभिधान करना, पुरुषवत् अभिधान करना, ये हो गया उपचार। तो इस उपचार को लेकर के जो छल कर रहा है, ऐसे छल को कहा जाएगा उपचार छल। ऐसा किसी व्यक्ति ने खंडन तो कर दिया, भी मंच कहाँ चिल्ला रहे हैं, मंचस्थ पुरुष चिल्ला रहे हैं, तो अत्र समाधि, अब उसका समाधान दे रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे साथ छल करे तो समाधान कैसे करना चाहिए, प्रसिद्धा प्रसिद्धे प्रयोगे वक्तु अभिप्रायम शब्दार्थयो अभ्यनुज्य प्रतिषेधो वा न छंदतः। कह रहे हैं प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध का प्रयोग होने पर, शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक प्रसिद्ध अर्थ में, एक अप्रसिद्ध अर्थ में। एक तो मुख्य अर्थ में शब्द का प्रयोग होता है, एक तो गौण अर्थ में होता है। हम बोलते हैं कि रिक्शा वाले को बुलाओ, तो ये तो हो गया मुख्य अर्थ, और हम कहीं इस रिक्शा को बुलाओ, तो ये हो गया गौण अर्थ, रिक्शा मतलब रिक्शा वाले को बुलाओ, तो समझने वाले समझ जाते हैं कि हम कह क्या रहे हैं। तो ये कह रहे हैं प्रसिद्धा प्रसिद्ध प्रयोगे, लोक में प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध, मुख्य या गौण शब्द का प्रयोग होने पर, वक्तुहु यथा अभिप्रायम, वक्ता का जैसा अभिप्राय है, शब्द वैसे ही शब्दार्थयो, शब्द और
अर्थ को जानने में अभ्यनुज्ञा प्रतिषेध होगा, वैसे ही उसकी अभ्यनुज्ञा की जाती है या तो प्रतिषेध किया जाता है। माने वक्ता के अभिप्राय के अनुसार शब्द या अर्थ की स्वीकृति या खंडन किया जाता है, न छंदत है, स्वतंत्र रूप से खंडन नहीं किया जाता। मतलब जो वक्ता कह ही नहीं रहा है तो उसका खंडन भी नहीं होता। जब हम कहते हैं किसी रिक्शा वाले को कि रिक्शा जरा इधर आना, तो चुपचाप आ जाता है, क्योंकि उसने वक्ता के अभिप्राय को समझ लिया। उसने क्या समझा कि वक्ता ने बोला है रिक्शा वाला, तो वो व्यक्ति आ जाता है। वो ये नहीं कहता है कि आपने रिक्शा को बुलाया था तो ये रिक्शा चल के जाए, मैं क्यों आऊं, ऐसा तो नहीं करता है वो, क्योंकि वो वक्ता के अभिप्राय को समझ जाता है। प्रधान भूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोगः उभयोः लोकसिद्धः। कह रहे हैं प्रधान भूत जो शब्द का अर्थ है उसको भी, और भाक्तस्य, भाक्तस्य माने गुणभूतस्य जो गौण प्रयोग है उसको भी, उभयोर लोकसिद्धः, दोनों की ही लोक में सिद्धि है, समझते हैं लोक में दोनों का प्रयोग किया जाता है। सिद्धे प्रयोगे, और दोनों का ही प्रयोग सिद्ध होने पर, दोनों का ही प्रयोग लोक में किया जाता है, इसलिए यथा वक्तु अभिप्राय तथा शब्दार्थौ अनुज्ञेयौ। जैसा वक्ता का अभिप्राय होता है वैसा ही शब्द और अर्थ को अनुज्ञेयौ प्रतिषेध्यौ वा न छंदतः। या तो स्वीकार किया जाता है शब्द और अर्थ को, या तो उसका खंडन किया जाता है, जैसा उसका अभिप्राय था उसको जान करके। यदि वक्ता प्रधान शब्दम प्रयुंक्ते, यदि वक्ता प्रधान शब्द का प्रयोग करता है, यथा भूतस्य अभ्यनुज्ञा प्रतिषेध होवा न छंदत, तो कह रहे हैं वैसे ही प्रधान शब्द का ही या तो स्वीकृति की जाती है या तो खंडन किया जाता है। जैसा उसने प्रयोग किया था, यदि उसने प्रधान शब्द को लेकर प्रयोग किया था, तो उस प्रधान शब्द को लेकर के ही जो रिस्पॉन्स देने वाला है वो या तो उसको स्वीकार करेगा या खंडन करेगा, न छंदत है। अपनी तरफ से ये नहीं कि वो प्रयोग कुछ भी करे और हम कुछ भी खंडन या स्वीकार कर लें, ऐसा नहीं होता है। उसके अभिप्राय को समझ करके ही या तो उसका खंडन करते हैं या तो उसको स्वीकार करते हैं। अथ गुणभूतम, और यदि वो गुण शब्द का प्रयोग कर रहा है, तदा गुणभूतस्य यत्र तु वक्ता गुणभूतम शब्दम प्रयुंक्ते, जहाँ वक्ता गुण शब्द का प्रयोग करता है, तो प्रधान भूतम अभिप्रेत्य परः प्रतिषेधति। जहाँ जिस स्थिति में, यत्र तु जहाँ वक्ता गुणभूतम शब्दम प्रयुंक्ते, गुण रूप से किसी शब्द का प्रयोग किए जाने पर, प्रधान भूतम अभिप्रेत्य उसको प्रधान अर्थ में जान करके, प्रधान अर्थ में लेकर के, परः प्रतिषेधति दूसरे का खंडन करता है, जैसे कि यहाँ कर रहा है ये छलवादी, तो कह रहे हैं स्वमनीषया प्रतिषेधो असौ भवति। तो ये प्रतिषेध उसकी अपनी बुद्धि के अनुसार किया जा रहा है, न परो उपालंभ इति, ये दूसरे का खंडन नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी अपनी बुद्धि का वो दिवालियापन दिखा रहा है। जब हम किसी व्यक्ति के अभिप्राय को समझ भी रहे होते हैं कि भैया यहाँ पर प्रधान शब्द का प्रयोग कर रहा है या गौण शब्द का प्रयोग कर रहा है, और हम उससे अन्यथा अर्थ लेकर के, छल का प्रयोग करके जब उसका खंडन करते हैं, तो हम वास्तव में उस व्यक्ति का खंडन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी ही मनीषा का दिवालियापन दिखा रहे होते हैं। क्योंकि दूसरा व्यक्ति ये भी तो पूछ सकता है ना कि भाई आपने ये अर्थ कैसे लिया, क्योंकि इसका तो कोई प्रसंग ही नहीं था, क्योंकि विशेष अर्थ लेने के लिए विशेष हेतु होना चाहिए, तो आपने ये अर्थ क्यों लिया। मंच का अर्थ आपने मंचस्थ, या मंच का अर्थ आपने केवल ये जड़ स्टेज, ऐसा अर्थ क्यों लिया, ऐसा तो हमने कहा ही नहीं था, हमने तो गौण प्रयोग किया था, तो आपने प्रधान अर्थ लेकर के खंडन क्यों किया। तो जब जब भी हम लोक में जान पूछ करके, छल का प्रयोग करके जब हम किसी का खंडन करते हैं, तो एक तरह से वो अपनी ही हीनता को दिखाना होता है। तो इसलिए व्यक्ति को कभी भी किसी के साथ छल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दूसरे का खंडन तो नहीं होगा, पर अपना छलवादीपना सामने आ जाएगा सबके, ये छलवादी है ये व्यक्ति।
जब हम किसी के दोष देखते हैं तो चलो दूसरे में तो वो दोष है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा तो परिचय मिल ही रहा है ना कि हमारी दृष्टि कैसी है दोष देखने वाली, तो हमारा तो पता लग ही रहा है वो व्यक्ति दोषी है या नहीं है, ये तो पता नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही जब हम छल करते हैं तो हमारा तो पता लग ही रहा है कि ये व्यक्ति छलवादी है, अब दूसरे ने वो प्रयोग किया था या नहीं किया था वो तो उससे पूछना पड़ेगा फिर। तो ये वास्तव में उसका खंडन नहीं है बल्कि अपनी ही मनीषा का अपमान है। अब ये पूछ रहे हैं, वाक छलम एव उपचार छलम तद अविशेषात, करें ये वाक छल में और उपचार छल में हमें कोई अंतर तो लगा नहीं। पहले जो वाक छल बताया था नव कम्बलोयम मानव का, तो उसमें उसने क्या कहा था कि नौ कंबल कहाँ है, इसके पास तो एक ही कंबल है। ऐसे जब यहाँ इन्होंने कहा मंचाक्रोशंती, तो इसने कहा मंच कहाँ चिल्ला रहे हैं, मंचस्थ चिल्ला रहे हैं। तो करें इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही जगह क्या किया जा रहा है, वक्ता के वचन का विघात ही तो किया जा रहा है। तो कह रहे हैं वाक छलम एवं उपचार छलम, ये वाक छल ही उपचार छल है, तद अविशेषा, दोनों में समानता होने से कोई विशेषता तो है नहीं। नए वाक छलाद उपचार छलम विद्यते, ये जो उपचार छल आपने जो तीसरा भेद बताया था, तीसरा प्रकार बताया था, ये वाक छल से कुछ भिन्न तो दिखाई दे नहीं रहा है। तस्यपि अर्थांतर कल्पनाया अविशेषात, क्योंकि वहां पर जो वाक छल था वहां पर भी क्या किया था छलवादी ने, अर्थांतर की कल्पना करके वक्ता का के अभिप्राय का उसके वचन का विघात किया था जब उसने नव कम्बलो बोला था, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। अविशेषात, दोनों में कोई भेद तो है नहीं। यह भी स्थान्य अर्थो गुण शब्द, कह रहे हैं यहाँ पर भी क्या है, स्थान्य अर्थो हो, स्थानीय अर्थ को कहने वाला गुण शब्द है, गुण शब्द है। स्थानी कौन है यहाँ पर, स्थानी मतलब स्थान में आने वाला, जैसे व्याकरण में आता है ना इसके स्थान में या इको यणजी, इक के स्थान में यण आदेश हो गया, यण आ गया। तो यहाँ पर भी स्थान में कौन आ गया, किसके स्थान में कौन आया, मंचस्थ के स्थान में मंच आ गया, वो मंचस्थ को कहना चाह रहा था ना, तो उसके स्थान में मंच आ गया। यह भी स्थानीय अर्थो गुण शब्द, स्थानीय अर्थ को कहने वाला गुण शब्द है। गुण शब्द तो हो गया मंच, और स्थानीय कौन है, मंचस्थ, उसको कहने के लिए। प्रधान शब्द स्थान अर्थ इति कल्पयित्वा प्रतिषिध्यते, और यहाँ पर ये जो छलवादी है ये प्रधान शब्द स्थानार्थ, ये उसको प्रधान अर्थ में लेकर के, स्थान अर्थ में लेकर के कल्पयित्वा, ऐसी कल्पना करके प्रतिसिद्धते, उसका खंडन कर रहा है। वहां पर भी ऐसे ही था, उसने नव कम्बल बोला था तो वो उसका दूसरा अर्थ लेकर के, अर्थांतर की कल्पना करके वो भी ऐसे उन्होंने खंडन किया था। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं, ये कह रहे हैं न तदर्थांतर भावात, कह रहे नहीं दोनों एक जैसे नहीं है, न तद अर्थांतर भावात, उन दोनों में भेद होने से। वाक छल अलग है, उपचार छल अलग है, कैसे अलग है, न वाक छलम एव उपचार छलम, वाक छल ही उपचार छल नहीं है। तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थांतर भावात, क्योंकि तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य, यहाँ पर जो उपचार छल किया है इसमें अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध किया गया है, अर्थांतर की कल्पना करके अर्थांतर भावात। वहां पर क्या किया था, वहां तो धर्म की अर्थांतर कल्पना की थी, मानव का उस अर्थ की सत्ता का कोई निषेध नहीं है, कंबल का भी निषेध नहीं है, निषेध क्या था, अर्थांतर की कल्पना करके उसके धर्म का, कि ये बच्चा एक कंबल के धर्म वाला है या नौ कंबल के धर्म वाला है, धर्मांतर की कल्पना है, धर्मांतर की कल्पना है, यहाँ पर अर्थांतर की कल्पना नहीं है, अर्थांतर का प्रतिषेध है, तो यहाँ पर तो उसका प्रतिषेध ही किया जा रहा है। तो यही कहा, तस्य
अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थांतर भावात् कुतः अर्थांतर कल्पनातः। अर्थांतर की कल्पना से तो वहां पर किया गया है, अन्य ही अर्थांतर कल्पना अन्यो अर्थ सद्भाव प्रतिषेध इति। अर्थांतर की कल्पना करना ये एक अलग चीज है, और अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध ही कर देना, सत्ता का प्रतिषेध ही कर देना, मतलब यहां पर तो कोई ऐसा अर्थ है ही नहीं जो चिल्लाने वाला हो, क्योंकि इसने मंचस्थ पुरुष का जो सद्भाव था उसका प्रतिषेध ही कर दिया। मंच कहां चिल्ला रहे हैं, मंच तो चिल्ला ही नहीं सकते, और पुरुष जो उसने बोला था उसकी तरफ ही ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इसने तो अर्थ के सद्भाव का ही प्रतिषेध कर दिया, तो इसलिए कहा कि ये दोनों बराबर नहीं है। और कह रहे हैं अविशेषे वा, अगर केवल यहां पर आप थोड़ा सा इनमें समानता देखें कि भाई दोनों ही जगह खंडन किया जा रहा है, ऐसी समानता यदि देखें, अविशेषे वा किंचित साधर्म्यात् एकछल प्रसंगः। किंचित सा धर्म तो फिर तीनों में ही है, तो यदि किंचित सा धर्म को लेकर के यदि आप दोनों को एक मानने लगें तब तो फिर छल के दो भेद भी नहीं होंगे, फिर तो एक ही छल का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, फिर तो किंचित सा धर्म तो उसमें भी है ना। छलस्य द्वित्वम अभ्यनुज्ञाय त्रित्वम प्रतिसिद्ध्यते त्वया किंचित सा धर्म्यात्। किंचित सा धर्म को लेकर के छल के द्वित्व को स्वीकार करते हुए त्रित्व का प्रतिषेध आपके द्वारा किया जा रहा है, तो कह रहे हैं यथाच अयम हेतु त्रित्वम प्रतिषेधति तथा द्वित्वम अपि अभ्यनुज्ञातम प्रतिषेधति। जैसा ये आपका हेतु, हेतु क्या था इनका, किंचित साधर्म्यात्, किंचित साधर्म को लेकर के जैसे ये हेतु त्रित्व का प्रतिषेध कर रहा है कि छल तीन प्रकार का नहीं होना चाहिए, उपचार छल और वाक छल तो एक ही है, तो दो प्रकार का ही छल कहना चाहिए, तो जैसे ये आपका हेतु त्रित्व का प्रतिषेध कर रहा है वैसे ही किंचित साधर्म तो फिर दो में भी है, तो द्वित्वम अभ्यनुज्ञातम, जो आपने स्वीकार किया छल का द्वित्व उसको भी प्रतिषेध थी, फिर तो उसका भी प्रतिषेध करेगा, तो फिर तो क्या हो जाएगा, एक ही प्रकार का छल रहेगा फिर तो। विद्यते ही किंचित साधर्म्यम द्वयोरपि इति, क्योंकि किंचित साधर्म तो दो में भी रहता ही है, क्योंकि दोनों ही जगह क्या किया जाता है, वचन विघात किया जाता है दूसरे की, अर्थ की विपरीत कल्पना करके, अर्थ विकल्पोपपत्या वचन विघातः छलम, अर्थ की विपरीत कल्पना करके वचन का विघात करना यही तो छल है, तो इतना तो दोनों में ही साधर्म मिलता है। अथ द्वित्वम किंचित साधर्म्यात् न निवर्तते त्रित्वमपि न निवर्तति। और यदि आप किंचित साधर्म को लेकर के द्वित्व को यदि निवृत्त नहीं कर रहे हैं, उसको यदि स्वीकार कर रहे हैं, छल के दो प्रकार यदि मान रहे हैं, तो त्रित्वमपि न निवर्तति, तो फिर ये तीसरा उपचार छल भी निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि ये भी अलग है, वहाँ धर्मांतर की कल्पना है, यहाँ तो अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध है, तो दोनों में अलग अलग है। इति अष्टभिः सूत्रैः छल लक्षण प्रकरणम्। तो अब 14 पदार्थों के लक्षण सूत्रकार ने बता दिए हैं, अब दो बचे, जाति और निग्रह स्थान। अतः ऊर्ध्वम, अब आगे के बता रहे हैं, साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति ही। साधर्म से और वैधर्म से प्रत्यवस्थानम, जहाँ खंडन किया जाता है उसको जाति कहते हैं। जाति ही मतलब जायते इति जाति ही, जो उत्पन्न होती है उसको जाति कहते हैं। जाति मतलब यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसी वाली जाति नहीं है, ये इनका सूत्रकार का न्याय दर्शन का अपना एक पारिभाषिक शब्द है। कैसे, प्रयुक्ते ही हेतु, जैसे पंचावयव का प्रयोग करते हैं तो पहले प्रतिज्ञा की और फिर कोई हेतु दिया, और हेतु का लक्षण क्या है, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, और उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, तथा वैधर्म्यात् कहा ना, तो या तो हेतु को साधर्म्य से देगा उदाहरण के साधर्म्य से, या तो उदाहरण के वैधर्म्य से, तो दो ही तो प्रकार से दे सकता है ना हेतु। तो कह रहे हैं प्रयुक्ते ही हेतु, हेतु के प्रयुक्त होते ही पहले प्रतिज्ञा की फिर हेतु दिया,
तो हेतु या तो साधर्म से दिया या तो वैधर्म से दिया, पर वो हेतु प्रयुक्त होते ही यह प्रसंगो जायते, जो प्रसंग उपस्थित हो जाता है। कौन सा प्रसंग उपस्थित होता है? यदि तो उसने साधर्म से हेतु दिया तो ये वैधर्म से खंडन कर देता है, और यदि तो इसने वैधर्म से हेतु दिया तो ये साधर्म से उसका खंडन कर देता है। तो ये उपस्थित हो जाता है। यह प्रसंगो जायते स जाति, सच प्रसंग है, वो प्रसंग कौन सा है जो हेतु के उपस्थित होते ही आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। सच प्रसंग साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम, वो प्रसंग ये है या तो साधर्म से या तो वैधर्म से प्रत्यवस्थानम, खंडन करना, उपालंभ निराकरण करना, प्रतिषेध उसका प्रतिषेध करना, इसको जाति कहते हैं। उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु इति इति अस्य उदाहरण वैधर्मेण प्रत्यवस्थानम, जब ये व्यक्ति उदाहरण के साधर्म से साध्य के साधन के रूप में हेतु देता है तो ये जो खंडन करने वाला है ये वैधर्म से उसका खंडन कर देता है। और उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, उदाहरण के वैधर्म से साध्य का साधन हेतु इस रूप में जब प्रस्तुत करता है तो ये जातिवादी अस्य उदाहरण वैधर्मेण प्रत्यवस्थानम, तो वैधर्म से खंडन कर देता है। प्रत्यनीक भावात जायमानो अर्थो जाति रीति, भाष्यकार जाति की अलग से परिभाषा कर रहे हैं। प्रत्यनीक भावात, विरोधी भाव से माने विरुद्ध रूप से जायमानो अर्थ, उत्पन्न होने वाला जो अर्थ है उसको कहते हैं जाति। ऐसा हेतु वह धर्म से उसका खंडन करेगा। कहाँ नहीं नहीं वह धर्म से जब देगा इतिहास से उदाहरण, हाँ हाँ ये ठीक कर लो इसको, ठीक है, वही धर्मेण की जगह साधर्मेण कर लो, उदाहरण साधर्मेण प्रत्यवस्थानम, ठीक है। तो अब लास्ट का बच गया निग्रह स्थान, विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। विप्रतिपत्ति माने होता है विपरीत प्रतिपत्ति, और अप्रतिपत्ति मतलब अज्ञान, न जानना, तो इसको निग्रह स्थान कहते हैं। निग्रह स्थान मतलब पराजय का स्थान, पराजित हो जाना, उसको निग्रह स्थान कहते हैं। तो कहा विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्ति ही विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति को खोला। विप्रतिपत्ति क्या है? विपरीता प्रतिपत्ति माने विरुद्ध अर्थ को समझना, या कुत्सिता प्रतिपत्ति निंदनीय अर्थ को समझना, उसको कहेंगे विप्रतिपत्ति। विप्रतिपद्यमानः पराजयम् प्राप्नोति, और जो विप्रतिपत्ति को प्राप्त होता है वो पराजय को प्राप्त करेगा। कितनी अच्छी लाइन है, माने या तो कोई विपरीत चीज को जानेगा या तो उसके स्थान में निंदित को जानेगा तो वो तो पराजित होगा। जैसा किसी वक्ता ने कहा, उसको उस अर्थ में नहीं जानना, उससे विपरीत जानना। जैसे वेदों में हमारे को क्या कहा भगवान ने कि संसार और संसार के विषय तो अनित्य हैं, और सत्य और धर्म या ईश्वर ब्रह्म ये सत्य है। अब हमने उसको विपरीत अर्थ में जान लिया, हमने शरीर और शरीर के विषयों को तो नित्य जान लिया, तो ये क्या हो गई? विप्रतिपत्ति, विपरीत प्रतिपत्ति हो गई ना, तो पराजय को तो प्राप्त होंगे ही। फिर जो शरीर का प्रयोजन था वो तो पूरा होगा नहीं, तो निग्रह स्थान में चले जाएंगे हम। निग्रह स्थानम खलु पराजय प्राप्ति, निग्रह स्थान का मतलब क्या है? पराजय की प्राप्ति होना। अप्रतिपत्तिस्तु, ये तो हुआ विप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति किसको कहते हैं? अप्रतिपत्तिस्तु आरंभ विषये अपि अप्रारंभः। अप्रतिपत्ति उसको कहते हैं कि विषय प्रारंभ हो गया, किसी ने प्रतिज्ञा की, हेतु दिया, और उसको ध्यान में न रखते हुए अगले ने अपना पक्ष या हेतु दिया ही नहीं, चुप रह गया, तो इसको कहेंगे अप्रतिपत्ति। तो ये समय हो गया, तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही।
श्री गुरुभ्यो नमः।